कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर्स के मध्य आईपीएल के सट्टा लगा रहे तीन लोगों को क्राइम ब्रांच ने मोबाइल लैपटॉप सहित हजारों की नकदी के साथ इंदौर के मांगलिया से धर दबोचा। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से सट्टे का कारोबार चला रहे थे। क्राइम ब्रांच इंदौर के एएसपी अमरेंद्र सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि बीती शाम मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मांगलिया की चौधरी कॉलोनी के एक घर पर दबिश डाली, जहां से सट्टा चलाते हुए टोनी उर्फ अजय बावेजा नीलेश शिवहरे को हिरासत में ले लिया। साथ ही एक अन्य सट्टे की रकम लेने आया था, जो मौके से धराया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 मोबाइल, एक लैपटॉप, एक कैलकुलेटर, एक एलईडी टीवी, सट्टे के लाखों रुपए का हिसाब किताब व 15,000-30,000 रुपए नकदी बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिछले कई माह से क्षेत्र में आईपीएल T20 मैच का सट्टा संचालित कर रहे थे। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट। अभी हाल में जो आईपीएल के मैच चल रहे हैं, इसको लेकर के कुछ जानकारियां मिली थी कि कहीं कुछ ऐसे सटोरिय सक्रिय हुए जो लगातार सट्टे की लाइन पर सट्टा लेते हैं और उसके एवज में काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं और लेन देन का जो इशारा उछल रहा है। इस सूचना को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम को एक्टिवेट किया गया था और क्राइम ब्रांच की जो टीम को बड़ा विश्वसनीय सूचना मिली थी कि मांगलिया क्षेत्र में कोई ऐसा एक आईपीएल का सट्टा चल रहा है। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच और मांगलिया छिपरा पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में तीन जो सटोरियों पकड़े गए, उसमें जो मुख्य लाइन लेने वाला जो व्यक्ति है वो अजय बावेजा और फुटौनी है। ये बेसिकली रहने वाला एमआईजी क्षेत्र का है और ये लंबे समय से सट्टा चलाने का काम कर रहा था और अभी कुछ समय पहले ही इसने 4-5 दिन पहले ही अपना स्थान बदल लिया था, क्योंकि उसको डाउट था कि कहीं कोई किसी को जानकारी ना लग जाए और अपना अभी काम मंगलिया संचालित करने लगा था। लेकिन जानकारी मिलने पर जब कार्रवाई की गई तो ये रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए। इसमें न केवल अजय उर्फ टोनी बल्कि इसका एक साथी नीलेश और एक जो पैसे लेने वाला जो एक ऐसा बंदा है जो देवेश यादव के नंदा नगर का है, जिसने अपना सट्टा लगाया हुआ था और जब जीत जाते हैं तो पैसे लेने के लिए जाते हैं, जब ये वहाँ पहुँचा था तो उसको भी पकड़ा गया है। तीनों आरोपियों को उसमें मुलजिम बनाया गया है और इसमें सट्टा एक्ट के साथ साथ इसमें जो अन्य धाराएं हैं 467 वो धाराएं भी लगाई गई हैं। अर्थात इनके द्वारा फर्जी सिम का उपयोग करते हुए ये पूरी जो सट्टा की लहर है वो ली जा रही थी और अवैध लाभ प्राप्त किया जा रहा था। तीनों ही आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इनके बारे में कुछ जानकारियाँ महत्वपूर्ण दी गई हैं, इसके आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुछ नाम जरूर आए हैं, ये लिंक भी आई है, ये जो यहाँ इंदौर की लिंक है वो मुंबई से जुड़ी है और यहाँ कुछ और लोगों के भी नाम आए जो आगे चल के इसमें कार्रवाई होंगी।